नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो आपके साथ देखने जा रहा हूँ वो वीडियो है इंडियन इंटरनेट सर्विसेज वर्सेस पाकिस्तानी इंटरनेट पब्लिक रिएक्शन। तो वहाँ के लोगों से पूछा गया है भारत के इंटरनेट सेवाओं के बारे में और पाकिस्तान के इंटरनेट सेवाओं के बारे में, और उनकी मुझे लगता है तुलना की गई होगी। तो लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। यार मेरा आज का क्वेश्चन यह है इंटरनेट के हवाले से। पाकिस्तान में इंटरनेट की सुलह इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इंटरनेट के पैकेजेस भी इतने एक्सपेंसिव हैं। इवन देन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो इंटरनेट पैकेज पे टैक्स लगा दिए। इंडिया के, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में इंटरनेट की सुलह इतनी ज़्यादा सस्ती है कि इंडिया के हर अवाम इसको अवेल कर रहा है, और गरीब से गरीब घराना तबका भी इसको अवेल कर रहा है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं असल में जो है ना, एक तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके हिसाब से भी मैं बात करना चाहूँगा कि जो न्यू बजट आ रहे हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ रहा है। और दूसरा ये कि जो इंडियन इकॉनमी है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पे जो है ना, उनके 3G और 3rd generation 4th generation जो है ना वारफेयर चल रही है, उस हिसाब से उनका जो इंटरनेट है ना उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया हुआ है। क्योंकि अभी हम देखें कि उन्होंने जो है ना अपने खला में अपने जहाज़ भेजे, तो वो उनका जो एक टेक्नोलॉजी था वो फेलियर हुआ, लेकिन उस उन्होंने उसको इतना इम्प्रूव किया है कि वो स्पेस में जो है ना इस वक्त पहुँचे हुए हैं, बोला कि उन्होंने चांद पे पहुँचने की कोशिश किया। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब अगर आप इंडिया की बात करते हो तो एक तो इंडिया के मतलब जो पॉपुलेशन देखी जाए, फिर वहाँ के लोग, उन लोगों का टैलेंट देखा जाए तो मतलब वो लोग हमसे कई ज़्यादा टैलेंटेड है। और उन लोगों का मतलब वो वर्ल्ड में उन लोगों का मेडिकल, यू नो, मेडिसिन उनके फेमस है, जो डॉक्टर्स हैं उनके हमसे कई ज़्यादा है। जितने हमारी आबादी उनके डॉक्टर टॉप पर है, वहाँ पर सबसे बड़ी इलाज भी वहाँ पर किए जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप इंटरनेट के करते हो या इन फैसिलिटीज़ के करते हो तो वो उन लोगों के साथ मतलब उनका जो आवाम है, जो उनका पॉपुलेशन है आवाम, और उस जो उनका गवर्नमेंट है वो उनके साथ मतलब सही जा रहे हैं। स्पेशली उनका देखा जाए तो वहाँ पर एक्टर भी ज़्यादा है, वहाँ पर पैसे वाले भी बहुत ज़्यादा है जो इन्वेस्ट करते हैं अपने कंट्री में। हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कम है। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए आजकल अगर हम देखें ना, डेटा बैलेंस चेक करें या फिर वाईफाई के ज़रिए जो हमारे मतलब नेट फैसिलिटीज़ हैं वो सारे जो हैं मतलब काफ़ी महंगे होंगे, एक्सपेंसिव होंगे। अगर आप देखें कार्ड वगैरह डलवाते हैं, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो गए, टैक्स लग गए हैं। और दूसरी चीज़ आपने इंडिया की बात की, इंडिया में आप देखें जो आजकल वो ऐड बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेस की कंपनी उठा ले, वो जो पैकेट बेच रहे हैं उसके साथ में 2GB इंटरनेट भी दे रहे हैं, तो मतलब वो अपने आवाम को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इसी आप जिस तरह आपने कहा कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए, तो हमारा जो तबका है वो काफ़ी पीछे है इन चीज़ों से। एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते इतना ज़्यादा नेट वगैरह, तो फिर वो जो फ्रीलांसिंग है उस जरिए से इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है, मतलब उनके आवाम को एक कमाने का एक सोर्स मिल रहा है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी इस चीज़ से मतलब काफ़ी दूर भी है। यार इंटरनेट सर्विसेज जैसे कि आप बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देख लो बहुत सस्ती हैं, हमारे यहाँ भी इतना इन्होंने टैक्स बेइंतहा हो चुकी है हर चीज़ की। अब ये जैसे कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी तब तो चलो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली हुई थी चीज़ों के अंदर, सब्सिडी दे रहे थे। इनको चाहिए जैसे अब ऑरेंज लाइन में इन्होंने सब्सिडी दी हुई है, वैसे वो कम से कम 120 या 140 की टिकट हमें पढ़नी चाहिए, उसके अंदर हमें 100 के करीब वो सब्सिडी दे रहे हैं, 40 रुपीज़ आवाम दे रही है। अब इस तरह चाहिए, या फिर ये इंटरनेट सर्विसेज वालों को कहें कि टैक्सेस कम करें या फिर सब्सिडी दें हमें। पाकिस्तान में देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है उनके मुकाबले में इंटरनेट नेटवर्क को देखा जाए तो काफ़ी वीक है। किसी भी वाले से देख लें आप, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नेट आ रहा है या तो प्राइवेट लोकल भी लगाया जाए तो बहुत महंगा है, इसलिए लोग देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट की तरफ जाएं, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आता भी है तो प्रॉपरली नहीं आता, इशू आता है, नेटवर्क में इशू आता है। बाहर की इंडिया में देखें ना, अब गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है, उनको सारी फैसिलिटी अप्लाई कर रही है, हर चीज़ आ रही है, जो भी है अप्लाई कर रही है, उनका सही से आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए गवर्नमेंट पहले अपना सोचती है, उनको चाहिए, आजकल एडवांस दौर है, इंटरनेट चाहिए हर स्टूडेंट्स के मामले में। देखा जाए आजकल कोविड को ले लें तो सारी स्टडीज इंटरनेट पे चल रही है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो गांव से आ रहे हैं, बैकवर्ड एरिया से आ रहे हैं, उनके पास लैपटॉप नहीं होता है, मोबाइल नहीं होता है, अब उनको इंटरनेट की चाहिए। वो लैपटॉप अगर अफोर्ड करते हैं तो आगे नेट महंगा है, वो फिर क्लास नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को भी इस पे जो है ना नोटिस लेना चाहिए। और दूसरा ये कि ऑनलाइन स्टडी हो गई है, पहले जो है ना सोशल मीडिया काफ़ी हद तक बढ़ गया था, और अब तो हर चीज़ जो है ना सोशल मीडिया, उसके बाद ऑनलाइन कर दी है, जो मार्केट है वो ऑनलाइन चल रही है। दूसरी बात, उन लोगों का जो हुकूमत है, बनिस्बत है हमारे हुकूमत की, अगर हमारे गवर्नमेंट की बात की जाए तो मतलब इमरान खान साहब ने बहुत वादे किए थे, सबको पता है,
तो इमरान खान साहब जो भी टैक्सेस लगा रहे आजकल, मतलब आप यूटिलिटी स्टोर जाओ उनके भी कीमतें सेम एज बिल्कुल एक दुकानदार के पास जो चीज़ें मिलते हैं कुछ ना कुछ कम होंगे, तो उस पर भी डबल टैक्सेस है। और वो टैक्सेस अब तो आजकल हर चीज़ पे टैक्स है। दूसरी बात कि जो करप्शन की बात चल रही थी, करप्शन चलो उसने कम कर दिया, मानते हैं हम बहुत कम किया, अब एक करप्शन भी कम हो गई, सारी चीज़ें टैक्सेस भी आप ले रहे हो, तो ये सारे पैसे खजाने में कर क्या रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल ये एक ना मानने वाली बात है, कर्जे जो भी वो आप इतना पे नहीं कर रहे, उल्टा बाहर की कंट्री से और भी पैसे ले रहे, तो ये सारी चीज़ें वो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, वो सारे पैसे आप तो मतलब समझो कि एक हाफ बजट और भी उसके पास आया, फिर भी वो पैसे पाकिस्तान में कहीं नहीं लग रहे। दूसरी बात अगर इंटरनेट की जाए तो हमारे मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं वो इन मॉडर्न सच कहूँ तो मतलब इंटरनेट के साथ इतने अवेयर भी नहीं है। ये मॉडर्न जैसे फ्रीलांसिंग की बात करिए इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, उनका यंग जनरेशन इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और वहाँ के लोग मतलब सॉफ्टवेयर मामले में हमसे ज़्यादा तेज़ है। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत पॉलिटी है कि मतलब वो इन चीज़ों पर ज़्यादा तरजीह नहीं देती। हमारे एक तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम ही नहीं सही है। तो जो इंटरनेट है वो 21st सेंचुरी में ज़ाहिर सी बात है एक बेसिक नीड बन गई हमारी, एक खुराक की तरह है इंटरनेट, ऐसे ऐसा ही है। तो वो अगर हम लोग उसको जितना महंगा होगा, मतलब जितना सस्ता होगा हम उसे ज़्यादातर उसे यूज़ कर पाएंगे और यूटिलाइज करेंगे उसको, प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जो फ्रीलांसिंग होगी, बाकी फ्रीलांसिंग के अलावा भी काफ़ी चीज़ें अगर हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं इंटरनेट से, काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो आपने सही कहा कि इंडिया वाकई हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है इन चीज़ों में, तो हमें भी चाहिए हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को कि यार इसी तरह हो, मतलब कि हमें भी फैसिलिटीज इस तरह के दे दें ताकि हम भी आगे इसमें आगे चल सके। तो व्यूअर जैसा कि आपने देखा हमारे पाकिस्तान अवाम ने भी कहा है कि गवर्नमेंट को इंटरनेट की सहूलत इतनी आम कर देनी चाहिए कि हम लोग इजीली अवेल कर सकते हैं, और टैक्सीज को ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि 100 का कार्ड लें उसमें 20 रुपीज़ तो गवर्नमेंट ले लेता है, चाहिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ये टैक्स ख़त्म किया जाए और इतना कम कर दिया जाए कि गरीब घराना भी एक फ्री लाउंसिंग से कुछ ना कुछ कमा सके, तो जिससे हमारा मुल्क की तरक्की होगी। हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है इन्होंने ही आगे जाना है, मुल्क को लेके जाना है, हमारे मुल्क का नाम होगा। जैसे आउट ऑफ कंट्री इंडिया का जैसे देखा है, उनके गरीब घराना तक भी इंटरनेट की सहूलत इतनी ईजीली है, इतनी सस्ती है कि वो ईजीली अवेल कर रहते हैं। अगर यूरोप साइड पर देखा जाए तो यूरोप की सड़कों तक में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हर बंदा सड़क पे बैठ के लैपटॉप यूज़ कर रहा है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या है, अगर एक गरीब एक मिडिल एस बी के नाम लेते हैं इंटरनेट का पैकेज लगाएगा, उसको सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो जाके इंटरनेट यूज़ करेगा। तो हमारी पूरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करने ना भूलिएगा। अगर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन पर जाके हमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये था वीडियो भाई साहब, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं भाई लोगों ने, फ्रीलांसिंग की बात कर रहे थे शायद। तो देखिए ये जो सेवाएं हैं ना, ये विज़न पे है, और भारत की सरकारों ने शुरू से एक विज़न पे काम किया है भारत को आगे बढ़ाने का, जो दुनिया में जो चीज़ चल रही है ना उसके बराबर खड़ा करने का, कि बॉस अगर बाहर की दुनिया में ये चीज़ चल रही है तो हमारे यहाँ भी ये चीज़ चाहिए। अब 5G हमारे यहाँ भी आने वाला है, 4G तो चल ही रहा है। अच्छा मैं इसमें कुछ पर्सनल बातें बताता हूँ, जैसे जो मेरा मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, और वो शायद प्लान मेरा जो है वो कुछ 1000 रुपये का प्लान है। इसमें मेरे 5 नंबर हैं, मेरा नंबर, मेरी वाइफ का नंबर, मेरे मम्मी डैडी का नंबर, सब नंबर है इसमें, और उस पर अनलिमिटेड इंटरनेट है, कोई लिमिट नहीं है नेट इंटरनेट की, 4G इंटरनेट अनलिमिटेड, कोई डेटा बैरियर नहीं है कि भाई इतने जीबी, हर जितना डेटा दिया हुआ है ना वो डेटा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, खत्म ही नहीं होता। 4G की स्पीड मोबाइल में मिलती है, शानदार, एकदम ज़बरदस्त। दूसरी बात, अब घर में जो मेरे पीछे सिस्टम लगा हुआ है वहाँ मैंने इंटरनेट लगवा रखा है, वो इंटरनेट भी करीब 999 का प्लान है, और वो यकीन मानिएगा फाइबर ऑप्टिक प्लान है, 200 Mbps की स्पीड है, 200 Mbps की स्पीड है, और अनलिमिटेड डेटा है, जितना मन करे डाउनलोड करो, जितना मन करे अपलोड करो, 100 Mbps से ऊपर की अपलोडिंग स्पीड है, 100 Mbps से ऊपर, यानी आई थिंक मुझे लगता है कि 150 की स्पीड होगी, और टैक्स लगा के 1200 का बिल आता है, उसमें मेरे 7-8 वाईफाई पे कनेक्ट रहते हैं फ़ोन, तो आप सोचिए कि फ़ोन है, टीवी है, स्मार्ट टीवी है, तो वो कनेक्ट रहता है, उससे मेरा अपना काम चलता है, कंप्यूटर पे काम चलता है, क्रिएटर हूँ तो बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करो, अपलोड करो, इधर भेजो, उधर भेजो, तो वो सब चलता रहता है।
तो मुझे इस बात की फिक्र कभी नहीं होती कि अरे यार नेट खत्म हो जाएगा, डेटा खत्म हो जाएगा। नहीं बॉस, हमारे यहाँ ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ आप किसी से भी पूछ लोगे उसका डेटा खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता डेटा, चलता रहेगा चलता रहेगा। और इसका फायदा आप देखोगे, यूट्यूब, मैं यूट्यूब की बात करूँ, गाँव गाँव से यूट्यूब के चैनल्स खुले हैं, वैसे तो खुले नहीं है। वो चाहे झारखंड में कहीं छोटा सा गांव हो, पहाड़ी एरिया हो, उत्तराखंड में कहीं पर पहाड़ी एरिया हो, तो वहाँ से भी YouTube चैनल्स चल रहे हैं। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब उनको इंटरनेट एक्सेस मिला है और इंटरनेट स्पीड वाला मिला है, इंटरनेट 4G मिला है, अब 3G गया, अब तो 5G आने वाला है बॉस। तो ये सब विजन का नतीजा है। और हाँ, हमारे यहाँ तो हम तो इंटरनेट को लेकर कभी सोचते भी नहीं है कि यार क्या हो रहा है, बहुत डेटा। और मैं ये भी बताता हूँ कि दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट यही है, और किसी कंट्री में आपको ऐसे रेट्स नहीं मिलेंगे, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहाँ। और जहां तक रही सर्विस की बात, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इंटरनेट में किसी खराबी के लिए अपने सर्विस प्रोवाइडर को मैंने कॉल किया हो कि भाई तेरा नेट नहीं चल रहा है, या प्रॉब्लम आ रही है, स्पीड कम हो गई है, या अपलोड नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, या फिर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई आज तक, मतलब मुझे याद भी नहीं है। मुझे लगता है कि पिछले तीन चार साल में मैंने एक भी बार फोन नहीं किया कस्टमर केयर को, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम की वजह से नहीं बोला। हाँ, प्लान बदलवाने के लिए, भाई अब मान लो प्लान मेरा 999 का चल रहा है, अब अगले 6 महीने बाद यही प्लान जो है ना वो 899 का हो जाता है, तो मैं बस बोल देता हूँ फोन करके, भाई अब ऐसा है कि 100 रुपये और सस्ता हो गया, तुम 899 का प्लान कर दो, प्लान हो जाता है, 2 मिनट में एक्टिवेट हो जाता है सारा काम फिट, उसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती। तो ये सब विजन का है, और हमारे देश की जो सरकारें हैं वो जनता के लिए काम करती हैं। देखिए, करप्शन हर जगह है, प्रॉब्लम हर जगह है, जहां इंसान है वहां प्रॉब्लम है बॉस, जहां दो इंसान है वहां प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ काम लोगों के लिए होता है। अब हमारे यहाँ की सड़कें देखो, अब हमारे यहाँ बिजली की पोजिशन देखो, अब हमारे यहाँ कुछ भी देखो यार, प्रोडक्शन ही चीज़ों की देखो, अनाज की प्रोडक्शन देखो, हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और सही दिशा में काम किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपनी राय हमेशा की तरह देना ना भूलें। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो करिए, मैं हर वीडियो में नहीं बोलता चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन भाई करिए तो सही चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।